भाई साहब नीचे लंच करने नहीं आए? यही पूछने आए हो? नहीं, वो ये भी पूछने आया था। तो असल में जो पूछने आए हो वो पूछो। अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे भाई साहब, वो यूं ही थोड़ा वो। बिजनेस प्लान डिस्कस करने आए थे, या फिर साफ साफ कहूं तो पैसे मांगने आए थे? हाँ भाई साहब, वो मैं आपकी हेल्प ही मांगने आया था, लेकिन इस बार घाटे में नहीं जाएगा बिजनेस मेरा। मेरा पूरा प्लान तैयार है, ये देखिए कर रखा है, देखिए ये प्लान देखिए मेरा, ये ना ये प्लान तो समझ रहा हूं तुम्हारा, बहुत सही जाल बिछाया तुमने मुझे लूटने का। नहीं 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 भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। जस्ट शट अप। बिल्कुल सही समझाऊं मैं तुम्हें। अरे बैंक जाकर लोन मांगना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तुम्हें मेरे अकाउंट पे डाका डालना था। इसलिए तो तुमने ये सारा ड्रामा किया, क्योंकि तुम ये बात अच्छे से जानते थे, बैंक का मैनेजर मुझे जानता है और तुम्हारे बैंक से लोन मांगने की बात वो मुझे जरूर बताएगा मुझे शर्मिंदा करने के लिए। सब? और उस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि मुझे ना तो कभी तुम पर भरोसा था और ना कभी होगा। तुम हमेशा से मेरे लिए एक निकम्मे और नकारा इंसान थे। और आज के बाद तो तुम मेरे लिए नोटिंग की भी हो गए, जो कभी अपनी भोली सूरत से लोगों को बेवकूफ बनाता है तो कभी अपनी रोनी सूरत से।